इससे पहले हमने जाना था कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से पीवी से आधार कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और हमने जाना था कि कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड किया जाता है आधार नंबर से वर्चुअल आईडी से। और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से जो भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है पीवीसी कार्ड, उसे कैसे ट्रैक किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सचिन मेर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना जो लाइफ टाइम फ्री हो, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीवीसी आधार कार्ड को ट्रैक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एसआरएन नंबर। जब भी हमने पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया था तब हमें एसआरएन नंबर मिला था। तो आपको भी एसएमएस के जरिए या फिर आपने रिसिप्ट डाउनलोड की होगी तो उसमें एसआरएन नंबर होगा। तो आपको क्या करना है, ये एसआरएन नंबर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे देख सकते हो चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस करके है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो कॉपी किया था एसआरएन नंबर वो यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये कैप्चा कोड है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे की तरफ सबमिट का बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि एसआरएन नंबर, मैंने जब ऑर्डर किया था उसकी डेट, करंट स्टेटस क्या है, प्रिंट इन प्रोसेस है, एयरवे बिल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और डेट ऑफ डिस्पैच। तो यहाँ पे जैसे डिस्पैच होगा तो यहाँ पे डेट आ जाएगी और आपको एक एयरवे बिल नंबर मिल जाएगा। ये बिल नंबर आपको क्या करना है, इंडियन पोस्ट ऑफिस होता है उसकी वेबसाइट पर जाना है, और ये एयरवे बिल नंबर आपको एंटर करके आप जान सकते हो आपको कितने दिन में आधार कार्ड मिल जाएगा, प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे यहाँ पे डिस्पैच होगा तो और एक वीडियो बनाऊंगा और इंडियन पोस्ट ऑफिस पे कैसे ट्रैक किया जाता है इसकी भी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।